गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस. दिस इज चैप्टर 8, वाटर इज लाइफ. इन दिस चैप्टर टुडे वी विल लर्न अबाउट व्हाई वी नीड वाटर, सोर्सेस ऑफ वाटर, सेविंग वाटर. अब फर्स्ट स्टेप में कैन यू गेस द नंबर ऑफ बकेट्स ऑफ वाटर अ डे. आप गेस कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ बकेट्स जो हैं पानी के आप दिन में देखते हो या यूज़ करते हो. एक दिन में कितनी नंबर ऑफ़ बकेट्स यूज़ करते हो, तो वो नंबर ऑफ़ बकेट्स लिखते हैं कि कितने यूज़ करते हो आप दिन भर में. व्हाई वी नीड वाटर, हमको पानी की क्यों ज़रूरत होती है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर, जितनी भी लिविंग थिंग्स है सबको पानी की ज़रूरत होती है. प्लांट्स एंड एनिमल नीड वाटर टू ड्रिंक एंड बाथ, और जितने भी प्लांट्स एनिमल्स हैं उनको पानी पीने के लिए और बाथ करने के लिए, नहाने के लिए ज़रूरत होता है. वी नीड वाटर टू डू मैनी थिंग्स इन आवर डेली लाइव्स, हमको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिन भर में करनी होती हैं जिसमें पानी की ज़रूरत होती है. वी नीड वाटर टू ड्रिंक, हमको पानी पीने के लिए ज़रूरत होती है. विदाउट विच वी कैन नॉट लिव, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते. वी नीड वाटर टू टेक बाथ, हमको नहाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. वी नीड वाटर फॉर वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, हमको अपने कपड़े और बर्तन धोने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है. वी नीड वाटर फॉर कुकिंग एज वेल, वी ऑल्सो नीड वाटर फॉर वाटरिंग प्लांट्स, और हमको खाना बनाने के लिए और पौधों में पानी देने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है. ओके, तो इस तरह से हमको पानी की कई चीज़ों में ज़रूरत होती है. सोर्सेस ऑफ वाटर, हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वी गेट वाटर फ्रॉम, क्या आपको पता है कि हमको पानी कहाँ से मिलता है. अ लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा पानी से कवर्ड है. वी फाइंड वाटर इन ओशंस, ओशंस सीज रिवर्स लेक्स एंड पॉन्ड्स, हमको पानी कहाँ कहाँ मिलता है. ओशन से, सागर समुद्र, नदी तालाब, लेक्स झीलें, इनसे पानी मिलता है. रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ, अर्थ पर रेन बारिश ही सबसे मेन सोर्स पानी का है. रेन वाटर फिल्स अप रिवर्स लेक्स पॉन्ड सीज एंड ओशंस, रेन वाटर से ही रिवर लेक पॉन्ड सीज ये सब भरते हैं. वी फाइंड वाटर इन ग्राउंड एज वेल, और हमको ग्राउंड से भी पानी मिलता है. दिस इज़ नोन एज ग्राउंड वाटर, जिसको हम ज़मीन के नीचे का पानी बोलते हैं. वी गेट ग्राउंड वाटर थ्रो वेल्स, हैंड पम्प्स एंड ट्यूब वेल्स, हमको ग्राउंड वाटर का पानी कैसे मिल सकता है. कुएं से, हैंड पम्प से और ट्यूब वेल्स से. द वाटर वी गेट फ्रॉम रिवर्स पॉन्ड्स एंड लेक्स इज़ नॉट क्लीन, जो हमको रिवर पॉन्ड्स और लेक्स से पानी मिलता है वो साफ नहीं होता है, मतलब हम उसको पीने में यूज़ नहीं कर सकते. इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, वी मे फॉल इल आफ्टर ड्रिंकिंग डर्टी वाटर, यदि हम गंदा पानी पियेंगे तो बीमार हो जाते हैं. द वाटर वी गेट इन आवर हाउसेस कम टू अस आफ्टर इट हैज़ बीन क्लीन्ड, और जो पानी हमको मिलता है अपने घरों में वो क्या होता है, वो पहले साफ़ किया जाता है तब हमारे घरों में आता है. वी शुड बॉयल और फिल्टर द वाटर टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग, हमको जो भी पानी हमको यूज़ करना है उसको पहले, पीने से पहले उसको बॉयल करना होता है या फिल्टर करना होता है, तब वो पीने लायक बनता है. सेविंग वाटर, सेविंग वाटर क्या होता है, पानी बचाना चाहिए क्योंकि पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं तो बचाना भी ज़रूरी होता है. वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइव्स, वाटर जो है सबसे हमारे जीवन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है. सो वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, इसलिए हमको पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए. हेयर आर सम वेज ऑफ सेविंग वाटर, यहाँ पर कुछ तरीके दिए गए हैं जिससे हम पानी को बचा सकते हैं. वी शुड टर्न ऑफ द टैप आफ्टर एवरी यूज़, हमको हर बार यूज़ करने के बाद उसको टैप को बंद कर देना चाहिए. वी शुड गेट लीकिंग टैप्स रिपेयर्ड, लीकिंग टैप्स जो हैं चूते हुए टैप्स को रिपेयर करवा लेना चाहिए. वी शुड नॉट थ्रो एनी गार्बेज इन द रिवर्स, हमको कोई भी रिवर्स में गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए, कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए. वी शुड यूज़ अ बकेट ए मग फॉर हैविंग अ बाथ,
इंस्टीड ऑफ अ शॉवर, हमको शॉवर की बजाय नहाते टाइम जो है शॉवर की बजाय बकेट और मग का यूज़ करना चाहिए। वी शुड नेवर लीव द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग आवर टीथ, हमको ब्रश करते समय जब हम ब्रश कर रहे हों तो टैप को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। वी शुड कलेक्ट द स्टोर एंड स्टोर रेन वाटर, देयर इज इक्विपमेंट टू हेल्प अस टू डू दिस एट होम, हमको रेन वाटर को स्टोर करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए, ऐसा इक्विपमेंट लगाना चाहिए जिससे हम उसको अपने घर में स्टोर करके रख सकें। तो ये कुछ जो सेविंग वाटर के लिए कुछ टिप्स दिए गए हैं और पॉइंट्स दिए गए हैं जिनका हमको यूज़ करके पानी को बचाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, दिस इज़ चैप्टर 8।